तो मैकेनिक दोस्तों, जैसे इसके बैक साइड पे हीट करेंगे तो कुछ स्टेप्स इसके जो है डिस्क के प्लेट जो होते हैं पैड, ये कम्प्लीटली निकल जाएगा। और इसके कंडीशन की अगर बात किया जाए तो देख पा रहे हैं कम्प्लीटली खत्म हो चुका है, यानी इसका जो लेदर पार्ट ऊपर का होता है ये खत्म हो गया है और मेटल जो है मेटल से टच हो रहा था, जिसके रीजन से आपको यहाँ पे दिख रहा होगा बहुत ज्यादा इसके अंदर स्क्रेचेस आ चुके हैं। तो इसको हम रिप्लेसमेंट कर रहे हैं और इसके अंदर यहाँ पे इस वाले पार्ट को असेंबल कर रहे हैं। और ये ज्यादातर जल्द मिलता नहीं है, बट मैंने इसे अवेलेबल करवाया है और अब इसे असेंबल करेंगे। तो इसे असेंबल करने से पहले आपको हम इसकी वर्किंग प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं कि कैसे वर्क करता है तीनों पिस्टन और क्या है वर्किंग का प्रॉपर तरीका। तो ये इसका तीनों पिस्टन है, उससे पहले इसके इस कैलिपर के रॉड को निकाल लेते हैं ताकि लुब्रिकेंट करके इसे असेंबल करें। और ये सारे पिस्टन को हम अंदर प्रेस कर देते हैं और उसके बाद आपको हम आगे का प्रोसेस बताएंगे। उससे पहले इसके क्लैंप वगैरह को हम यहाँ से निकाल लेते हैं ताकि क्लीनिंग प्रॉपर तरीके से हो सके। तो चलिए तीनों पिस्टन को अंदर करते हैं। तीनों पिस्टन को अंदर करने का एकदम आसान तरीका क्या है आपको बताते चलते हैं। तो मैकेनिक दोस्तों, इसकी काफी हद तक मैंने क्लीनिंग कर लिया है और इसको क्रियोसिन या फिर पेट्रोल वगैरह से वॉश इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ये रबर आइटम लगे होते हैं, ये फैल जाते हैं। तो आप गलती ना करें, अच्छे तरीके से क्लीनिंग कर लें। अब आपको थोड़ा सा वर्किंग बता देते हैं कि ये तीन पिस्टन जो कंपनी अकॉर्डिंग दिया गया है ये क्यों दिया गया है। और ये जो यहाँ पे अगर देखें, इस जगह से एक फ्लूड वाला एरिया, यहाँ से जो एयर निकलता है जब आपकी गाड़ी में जो है ऑयल लेवल कम हो जाता है और एयर इसके जो पिस्टन वगैरह में चला जाता है, तो आप अगर देखें तो यहाँ पे भी एक दिया हुआ इसका आउटपुट और एक यहाँ पे भी दिया हुआ आउटपुट। तो ये किसके लिए और कैसे वर्क करता है, तो मैकेनिक भाइयों आपको पता होना चाहिए। ये जो दो पिस्टन है ये इसके फ्रंट के लिए काम करता है, जब हम फ्रंट के ब्रेक को अप्लाई करते हैं। चलिए आपको हम थोड़ा सा अप्लाई करके दिखाते हैं। अभी फ्रंट ब्रेक को अप्लाई करेंगे तो इसके दोनों पिस्टन यहां से निकलना शुरू हो जाएगा। तो आप अगर देखें मैकेनिक भाइयों, तो इसके दोनों पिस्टन निकल रहे हैं, यानी ये पिस्टन और ये पिस्टन दोनों फ्रंट ब्रेक से है। और जैसे इसके रियर ब्रेक को प्रेस करेंगे तो ये बीच वाला पिस्टन निकलेगा, यानी कॉम्बी का वही सिस्टम है कि जब आप रियर को प्रेस करेंगे तो फ्रंट का भी काम करेगा। इस टेक्नोलॉजी को बहुत अलग अलग नाम से अलग अलग कंपनियां यूज कर रही है, जैसे SBT हो गई, सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी, IBS जो यूज कर रही है हीरो वाले, और यहाँ पे कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम का होंडा ने पहले यूज करना शुरू किया। तो थोड़ा सा एक्सप्लेन आपको पीछे का रियर ब्रेक से भी कर देते हैं। तो यहाँ पे रियर ब्रेक प्रेस करेंगे तो इस वाले में भी पिस्टन ऊपर होगा, तो देख पा रहे हैं अभी इसके रियर ब्रेक को प्रेस कर रहे हैं तो ये वाला पिस्टन ऊपर आ रहा है। तो अभी आप देखें फ्रंट को जब हम प्रेस किए हैं तो ये और ये ब्रेक ऊपर आया पिस्टन, और जब हम रियर को प्रेस करते हैं जब ये और ये आता है। और इसके ज्यादा टेक्निकल में एक्सप्लेन चाहिए तो मैंने नीचे इसका डिस्क्रिप्शन में PDF डाल दिया, इसका कंप्लीट बुक डाल दिया है, वहां से आप जाके देख सकते हैं इसके अंदर कितने ओरिंग लगे होते हैं। और याद रखें, जब आपका फ्रंट ब्रेक काम ना करे यानी डिस्क वाला, तो आप इस वाले चीज को ओपन करें, यहाँ पे ये वाला पोर्शन जो है। और जब आपका रियर ब्रेक से काम ना करे डिस्क कॉम्बी, तो आप यहां से ओपन करें। आप याद रखें मैकेनिक भाइयों, ये जो आउटपुट है ये इसके रियर से है और ये जो आउटपुट है ये इसके फ्रंट से है। तो चलिए अब हम असेंबलिंग का प्रोसेस शुरू करते हैं और आपको हम लगा के दिखाते हैं कि जब हम इसके अंदर डिस्क को असेंबल कर देंगे तो हमारा कॉम्बी प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा। तो उसके लिए सबसे पहले क्लैंप जो लगा होता है इसे हम लगाते हैं। तो मैंने इसके बोल्ट को अंदर ले लिया है, अब चलिए इसे हम टाइट कर लेते हैं। और टाइट करने के बाद आपको हम दिखा देंगे इसका वर्किंग, दोनों तरफ से वर्क हो रहा होगा। तो देख रहे हैं यहाँ पे इसका आना शुरू हो गया, यानी ये परफेक्टली टाइट हो रहा है। तो चलिए आपका टाइम ज्यादा नहीं लेंगे, इसे हम टाइट कर लेते हैं, फिर डायरेक्टली आपको वर्किंग दिखाएंगे। व्हील भी हमारा फ्री होगा और रियर और फ्रंट दोनों से ही वर्क करेगा। तो कॉम्बी का मतलब क्या है कि जब तक आपका दोनों काम नहीं करेगा, जब तक आपका प्रॉपर रिजल्ट नहीं आएगा। और याद रखें, कोई भी रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो इसके डिस्क रिलेटेड कोई सी भी बाइक का, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, सोल्यूशन हम आपको लेके आएंगे। तो इसकी असेंबलिंग कर दी है, अब असेंबल करने से पहले थोड़ा सा यहाँ पे फैला देंगे और इसको अपने जगह पे असेंबल कर देंगे। जब भी आपका डिस्क प्लेट घिस जाता है तो टाइम टू टाइम रिप्लेसमेंट करवाएं ताकि जो प्लेट आपका होता है वो सेफ रहे, क्योंकि अगर टाइम टू टाइम रिप्लेस नहीं करवाइएगा तो मेटल टू मेटल घिसने से साउंड भी क्रिएट करेगा और क्या होगा कि गाड़ी का जो है परफॉर्मेंस खराब हो जाएगा, व्हील जाम हो जाएंगे, तो फिर माइलेज नहीं देगा, डिस्क लॉक हो जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो चलिए सारी चीजों को टाइट कर देते हैं और आपको रिजल्ट दिखाते हैं।
कैसे। तो मैकेनिक दोस्तों प्रॉपर तरीके से असेंबल कर दिया, अब बारी आती है चेक का, तो चलिए चेकिंग कर लेते हैं। तो ये फ्रंट ब्रेकिंग का वर्किंग था, चलिए रियर से आपको चेक करा देते हैं। तो आप देख पा रहे हैं इसका रियर और फ्रंट दोनों तरीके से प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। आपको अगर दिखा दें तो यहाँ पे ये जो प्रॉपर तरीके से असेंबल हो गया, और यहाँ पे स्क्रेचेस अगर दिखाएं तो बहुत ज्यादा इसके अंदर स्क्रेचेस हो चुके हैं, और ये कम्प्लीटली धीरे धीरे सही हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आपको दिखाएं तो इस जगह पे अगर कनेक्शन देखें तो कॉम्बी ब्रेकिंग इस जगह पे लिखा हुआ है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी, और वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और बहुत जल्द कभी भी इन फ्यूचर इसका कुछ प्रॉब्लम आता है ईयर वगैरह का तो आपको बताएंगे कॉम्बी ब्रेकिंग का किस तरह से ईयर को रिलीज किया जाता है और परफेक्टिंग ब्रेक किस तरह से काम किया जाता है। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।